श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद के चरित्र भी ध्यान लगाकर सुनो। अपनी प्रजा का पालन करने वाला महान धार्मिक तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यदेव भगवान का प्रसाद छोड़कर बहुत दुख पाया। उसकी कथा सुनो। एक समय राजा तुंगध्वज शिकार के बहाने अनेक पशु पक्षियों को मारकर लौटते समय एक बरगद के वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगा। उस वृक्ष के नीचे अहीर ग्वाले लोग अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने अभिमान के कारण भगवान के हाथ नहीं जोड़े। पूजन के उपरांत गोपजनों ने राजा को प्रसाद दिया, परंतु राजा ने वह प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद की अवज्ञा के कारण उस राजा के 100 पुत्र, धन संपत्ति आदि जो कुछ था सभी नष्ट हो गए। इस प्रकार के भयंकर दुख पड़ने पर राजा ने बहुत गंभीरता पूर्वक इन घटनाओं के घटित होने का कारण सोचा और निर्णय किया कि श्री सत्यनारायण भगवान ने ही मेरा सर्वस्व नष्ट किया है, इसलिए वहां जाऊं जहां गोपजन श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे। इस प्रकार मन में निश्चय करके राजा उन अहीर गोपजनों के पास गया और उनके साथ सम्मिलित होकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात श्री सत्यदेव भगवान की कृपा से पुनः धन धान संतान आदि से संपन्न हो गया और इस लोक में सब प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गए। परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली परम पवित्र कथा को सुनता है, वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान संतान से संपन्न हो जाता है। दरिद्र हो तो धन पाता है, किसी प्रकार के बंधन में हो तो उनसे छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में मन चाहे फल प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे महर्षियों, हे ब्राह्मणों, आप सबके कल्याण के लिए मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन किया है। इस घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा ही समस्त दुखों का निवारण कर सकती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो इस कथा को प्रतिदिन पढ़ता या सुनता है और सत्य का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन लोगों ने पहले व्रत किया था उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। काशी नगरी का वह शतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। भगवान श्री कृष्ण जैसा सखा पाकर उसने परम पद को प्राप्त किया। लकड़ी बेचने वाला वह लकड़हारा केवट हुआ, जिसने अपने हाथ से भगवान श्री राम के चरणों को पखारा और उनकी सेवा करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया। पद पखार अरुले चरणामृत हर्षित नाव चलाई, केवट भाग्य सराही देवगण सुमन वृष्टि झरलाई। उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुआ, जिन्होंने भगवान श्री राम जैसा पुत्र पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और वह व्यापारी साहूकार दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुआ, जिन्होंने अपने पुत्र का आधा अंग आरे से चीर कर भगवान को प्रसन्न किया। महाराज तुंगध्वज दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवत संबंधी कथाओं के द्वारा सभी को भगवान का भक्त बनाया।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवः शांति सर्व ओम शांति शांतिदेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय लक्ष्मी रमणा जय जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाकत हरणा जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धात जगीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धर्यो श्रद्धा धारण की श्रद्धा धारण की किनको ताज सयो जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कजली फल मेरा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत सेवा जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो गावे तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाथक हरणा जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।